प्रणाम, जय जिनेन्द्र। बहुत सारे लोग हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग जूम से भी जुड़ चुके हैं। बहुत सारी अलग अलग हीलिंग थेरापीज को सीखा, समझा, जाना, अलग अलग ध्यान हमने किए हैं, बहुत सारे ध्यान मैंने आपको सिखाए हैं। और आज जो एक स्पेशल टॉक है, जो कुछ प्रेरणाएं मैं देना चाहती हूँ कि जो है कि कैसे हम हमारे जीवन में 24/7 ध्यान मग्न रहे। हम कोई भी काम कर रहे हैं, कैसे हमारे अंदर वो सजगता है, वो जागरूकता है कि कोई भी प्रकार के आलंबनों की जरूरत हमें ना पड़े। जन शासन के तमाम सर्व व्यक्तिधारी भगवंतों को मतृण वंदनामी करते हुए, चंद्रशेखर महाराज साहब, विजय जी महाराज साहब को मतृण वंदनामी करते हुए, आप सबकी अनुमोदना करते हुए, निकुंज गुरु जी को प्रणाम करते हुए आज की मेरी बात मैं शुरू करना चाहूंगी एक बहुत ही छोटी सी पोयम से। सब में देखो श्री भगवान, सब में देखो श्री भगवान, हम सब है माटी के दिए, सब में ज्योति एक समान। हम सब है माटी के दिए, सब में ज्योति एक समान, सबसे प्रेम हो सबकी सेवा, ऐसी सन्मति दो भगवान। भगवान से हमें क्या मांगना है कि भगवान मुझे ऐसी सद्बुद्धि दीजिए, मुझे ऐसी सन्मति दीजिए कि मेरा हर एक लम्हा मेरी जीवन का सेवा में बीते, निस्वार्थ अपेक्षा के बिना मैं सभी का कल्याण करूं, ऐसी मेरे अंदर शक्ति दो, प्राणी मात्र के प्रति मेरे अंदर प्यार हो, ऐसी शक्ति आप मुझे दीजिए। आंखों में हो करुणा हरदम, होठों पर कोमल मुस्कान, आंखों में हो करुणा हरदम। भगवान महावीर स्वामी करुणा का दूध जिनकी आंखों से बहता था, चंद कौशिक ने जब दंश भी दिया तब भी प्रभु ने कहा बुझ बुझ चंड कौशिक। तो वैसी करुणा हमारे अंदर, हमारे हृदय में, जिसका बोलते ना प्रभुत्व, जो प्रभु का स्थापना, आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर स्वामी जी भगवान की स्थापना हमें जब हमारे हृदय मंदिर में करनी है, तो हमारे हृदय मंदिर के अंदर जो एक बोलते एनर्जी आंखों के माध्यम से जाती है, तो वो आंखें कैसी होनी चाहिए? आंखों में हो करुणा हरदम, होठों पर कोमल मुस्कान, हाथों में हो श्रम और सेवा, ऐसी शक्ति दो भगवान। भगवान से हम क्या मांग रहे हैं कि हम श्रम भी करेंगे, कठोर परिश्रम करेंगे, हम सेवा भी करेंगे और हमें मुक्ति के मेवे भी चाहिए। चाहे सुख दुख दो पछाव हो, चाहे मिले मान अपमान, चाहे सुख दुख धूप छाव हो, चाहे मिले मान अपमान, व्याधि में भी रहे समाधि, ऐसी मुक्ति दो भगवान। व्याधि तकलीफ दुख दर्द रोग किसे नहीं आता है, सबको आता है, परंतु उस व्याधि में भी जब हम हमारी समाधि को टिका के रखे, भक्तामर महास्तोत्र की भक्ति, भक्तामर हीलिंग बनाने के पीछे का एक मेन उद्देश्य था मेरा कि जितने भी लोग इसमें जुड़ेंगे, 1, 2, 10, 100, 1 करोड़, 10 करोड़, जितने भी लोग इस भक्तामर महास्तोत्र हीलिंग की भक्ति में जुड़ेंगे, भक्तामर स्तोत्र के साथ जुड़ेंगे, उनके जीवन में इतनी अच्छी समाधि आए कि जीवन सार्थक बन जाए। जीवन सार्थक बनाने के लिए, दादा आदिनाथ की भक्ति में और ज्यादा भीगने के लिए आगे 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 कड़ियां जुड़ती गई और ये कारवां बनता गया। तो सब में देखो श्री भगवान, कवि जी ने एक ही चीज कही है कि हर प्रकार की कष्ट में, हर प्रकार की क्षति में भी मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिखे, व्याधि में भी रहे समाधि। अंत में जो परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य परम तत्व को पाना है, पर उस परम तत्व को पाने का जो बोलते हैं कि एक साइकिल है, कर्म की साइकिल है, उस कर्म की साइकिल को भोगते 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 भी मेरे अंदर कौन सा भाव टिका रहना चाहिए, तो समाधि का भाव मेरे अंदर हमेशा के लिए टिका रहे।
24 घंटे हम कैसे जागरूक रहे, हम क्या ऐसा ध्यान करें। जैसे मैंने आपको बहुत सारे ध्यान करवा दिए हैं, चक्रा क्लीनिंग, ओसग्गहरम का, उसके बाद भक्तामर का ध्यान हमने किया, अलग अलग रूप से पूनम के दिन का अलग ध्यान किया, अंबिका माता जी का ध्यान किया, महालक्ष्मी देवी का ध्यान किया, पद्मावती माता का ध्यान किया, अलग अलग बहुत सारे ध्यान हमने किए हैं। कल हमने स्पेशली खामे में सर्व जीवे यानी कि मिच्छा में दुकड़म, सर्व जीवों के प्रति खामत खमणा की भावना के साथ हमने कैंसर को भी हील करने का एक स्पेशल हीलिंग किया, एक स्पेशल मेडिटेशन किया, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग हीलिंग और आगे हम करेंगे। ऐसे बहुत सारे अलग अलग मेडिटेशंस में जरूर आपको सिखाना चाहूंगी, मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस चीजों का लाभ लें। पर सभी चीजों का आलंबन लेने के बाद भी हम क्या ऐसा करें जीवन के अंदर कि 24/7 हम जागृत रहे, और जितने 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 हम जागृत रहेंगे उतना 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 हमारी समाधि, हमारी समता वो और बढ़ती जाएगी, टिकती जाएगी। अभी बहुत सारे लोग हैं कि जो स्थिर हो चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फोन करके बोलते कि पूजा बेन हमारी लाइफ में जो इतने 40 साल 50 साल में नहीं हुआ वो आपसे जुड़ने के बाद 8 महीने 10 महीने में हुआ है। वो पॉजिटिविटी हमारे घर में आई है, लोग खुद फील करते हैं और फोन करके हमें बताते हैं। तो इस जागरूकता को, इस पॉजिटिविटी को लाइफ टाइम हम कैसे टिका के रखें। जीवन को जीने के दो महत्वपूर्ण पहलू है, एक है शरीर और दूसरा है मन। स्थूल शरीर का संचालक मन है, और मन को चलने का बल मिलता है, सामर्थ्य मिलता है मन को चलने का, वो है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव पावर्स। पॉजिटिव पावर्स क्या अपने आप आ जाते हैं? नहीं, पॉजिटिव पावर्स हमें हमारे अंदर जनरेट करने पड़ते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हमने सीखी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने सीखा, संकल्प जो हम बोलते हैं, मैं रोज जब भी शुरू करती हूँ जूम में जितने भी लोग जुड़ते हैं सबको पता है कि मैं जैसे ही शुरू करती हूँ मैं तुरंत बोलती हूँ अपने अपने संकल्पों को एनर्जी दीजिए। ये लाइन क्या बोलती है? दिस लाइन इज एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आपका जो संकल्प है उस संकल्प को आप जितनी भी बार दोहराएंगे, आप जितनी भी बार रिपीट करेंगे उतनी बार वो संकल्प परिपूर्ण होगा। तो मन को संचालन शक्ति, मन का संचालक बल है उसका संकल्प, उसका वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पावर, वो पॉजिटिव पावर जो अंदर से ही जागृत होके मिलता है। मनुष्य का मन की जो बुद्धि के माध्यम से उसको क्या देता है? सक्सेस देता है। अगर हम अक्षरों शब्दों की बात करें तो ग से गणेश भी होता है और ग से गधा भी होता है, है तो शब्द ग। स से सत्य भी होता है और स से सत्य नाश भी होता है, परंतु अक्षर और शब्द हम जैसे 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 और जिस फ्रीक्वेंसी से यूज करते हैं वैसा ही उसका आउटकम, वैसा ही उसका पॉजिटिव पावर हमें मिलता है। सजगता की बात करें कि 24/7 कैसे हम ध्यान मग्न रहे, क्या 24/7 आप कोई म्यूजिक चलाते रहोगे, हैंड फ्री डाला कान में और म्यूजिक चालू कर दिया, 24/7 आप आंख बंद करके ज्ञान मुद्रा में बैठोगे? पॉसिबल नहीं है। 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम, चलो हाफ एन आवर की जो एक साधना का फिक्स टाइम है उस टाइम पे आप रोज कर सकते हो, जो भी आपको सजेस्ट की जाए साधना वो। परंतु जो भी काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप किसी साधु साध्वी जी भगवंत की वयावच करते हैं, आपका जो भी संकल्प, आप जो कुछ भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिकता हर एक क्षेत्र का पहलू है, सबसे बड़ी नींव है आध्यात्मिकता, और वो आध्यात्मिकता, वो 24/7 का मेडिटेशन हमारे अंदर सतत 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 चलता रहेगा, वो है सजगता के माध्यम से। अब मैं जो आज ये फोकस कर रही हूँ, भार दे रही हूँ सजगता शब्द के ऊपर, ये शब्द क्या बोलना चाहता है कि हम जो भी करें वो इतना एकाग्रता से करें, इतना पूर्णता से करें कि उस चीज को करने के बाद कुछ
पाने की चाहना बाकी न रहे, कुछ चीज आधी अधूरी ना रहे। इसीलिए जो बोलते हैं कि जो भी करो अपना 100% दे के करो, और अगर कुछ काम करने की इच्छा नहीं है तो उस काम को मत करो, वो ज्यादा बेटर है। आधा अधूरा काम छोड़ना उससे बेटर है। कोई भी काम करना है पूर्ण करो, नहीं करना है मुंह पे मना कर दो। तो सजगता संसार में आध्यात्मिक जीवन जीने की एक पगडंडी है। और जीवन जीने की अगर कला बोली जाए तो जीवन जीने की तीसरी आंख यानी कि सजगता है। जितनी जितनी जागरूकता आपकी बढ़ती जाएगी उतना उतना आप संसार की अलग अलग मूर्छाओं से बाहर आते जाओगे। अलग अलग जो फीलिंग है ना, नेगेटिव फीलिंग्स, कल भी मैंने बताई थी कुछ नेगेटिव फीलिंग्स कैसी होती है और कैसे कैसे कैंसर के सेल्स जनरेट होते हैं, कल हमने बहुत सारी बातें की थी। तो जो कुछ भी नेगेटिव फीलिंग्स है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, मोह है, माया है, तो ये सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो एक तरीके से कुछ मूर्छाएं हैं कि जो हमारे आत्मा के पटल के ऊपर लगी हुई है। तो उस मूर्छाओं से पार उतरने के लिए और आध्यात्मिक उन्नति पाने के लिए सबसे बड़ी अगर कोई चाबी है तो वो चाबी है सजगता। जो भी काम करो उसको 100% दे के करो। उस काम के पीछे का आपका क्या पॉजिटिव पावर है, क्या पॉजिटिव आपके अंदर उसकी रचनात्मकता है, उसको सोचो और फिर करो। एक बात पर मैं खास जोर देना चाहूंगी कि जागो परंतु भागो मत। फिर से रिपीट करती हूं, जागो परंतु भागो मत। भागना यानी कि पलायन करना, और जागना यानी कि सन्यास लेना। सन्यास क्या खाली वृत्तिधर का वेश लेके ही मिल सकता है? वृत्तिधर का वेश उत्तम है, दिल से हृदय से प्रणाम है, और हम भी कहीं ना कहीं ऐसी चाह में है कि वृत्तिधर का वेश मुझे भी प्राप्त हो इस जन्म में, कहीं ना कहीं मेरे हाथ में भी पात्रा हो, मेरे हाथ में भी होगा हो, मैं भी सफेद कपड़े में हूं, वो हम सब की जैन मात्र की चाहना है। परंतु संसार में रहते हुए भी क्या हम सन्यास ले सकते हैं? संसार में रहते हुए भी क्या हम ऐसे ध्यान मग्न होके अपने सारे काम कर सकते हैं? तो जी हाँ, अगर आत्म जागृति हो जाए, वो जागरण हमारे अंदर हो जाए तो वो मुक्ति का द्वार बन जाएगा। महावीर स्वामी अगर जग गए तो वो पार लग गए। कितने कितने साधनाएं की हैं प्रभु वीर ने, कितने कितने घोर उपसर्ग सहे हैं, फिर भी आज वो वीर है, महावीर है। अगर बुद्ध भगवान जैसे जग गए तो वो भगवान बन गए, उनका बेड़ा पार लग गया। और उसके सामने आप देखो कुंभकर्ण सोता रहा तो उसका नसीब भी कैसा हुआ, सोया ही रहा। सोने की मना नहीं है, परंतु जागो और महावीर बनो। स्वयं में लीन हो जाना, स्वयं के अंदर संबुद्ध हो जाना, वो ही सच में सबसे बड़ी सफलता है। हमें खाली जागने की और जगाने की जरूरत है। निकुंज गुरु जी इतने आपको मोटिवेशनल प्रवचन देते हैं, मैं भी बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स आपको सिखाती हूँ। हम दोनों कहीं ना कहीं ऐसे प्रयास में है कि हम लोगों के अंदर जागृति लेके आए कि आप देखो जो आपके अंदर भीतर में जो भगवान छिपे हुए हैं। योगेश भाई के अंदर भगवान है, हेतल बेन के अंदर भगवान है, मीना बेन के अंदर भगवान है, एक एक इंसान की जो अभी जुड़ा हुआ है, जो सुन रहा है इतने टाइम से, समझ रहा है चीजों को, सबके भीतर में भगवान है। तो उस भगवान को जगाने की बोलते हैं ना एक नाद हमारे अंदर है कि हम कुछ ऐसी प्रेरणा करें और लोग जागे, लोग कुछ और दूसरों को जोड़े। तो हम जब तक सोए हुए हैं तब तक मूर्छा में हैं, और जब हम जाग जाएंगे तभी हमारे जीवन में सवेरा हो जाएगा। दुनिया में सब कोई लोग भामाशाह नहीं बन सकते, झगड़ूशाह नहीं बन सकते, दानवीर नहीं बन सकते, तो सब कोई लोग शाली भद्र भी नहीं बन सकते हैं। अब देखिए जो भामाशाह बन गए उन्होंने क्या किया, चैरिटी की, अपनी पूरी संपत्ति को दान में दे दिया और नाम अमर कर दिया। तो शाली भद्र जी जिनके घर पे रोज 99 पेटी नीचे उतरती थी, एक दिन का एक पेटी यूज किया और जाने दिया, तो वैसे महान से महान तपस्वी
ये शैलीभद्र जी भी समस्त सांसारिक मूर्छाओं से बाहर निकलकर संत बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। तो ऐसे विरले हमारे जैन शासन के अंदर भरे हुए हैं। अगर कोई इंसान बोलता है कि मैंने सागर देख लिया, तो वो आधा सच बोलता है, सागर देखा नहीं जाता है। हम सब गए हैं सी के पास, तो पर हम क्या देखते हैं? हम सागर की लहरों को देखते हैं। सागर के भीतर में जो छुपा हुआ सीप है और उसके अंदर जो छुपा हुआ मोती है, वो अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसी सागर के अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी कि किनारे बैठे हुए खाली सोचना है। किनारे पे चले गए, बैठ गए और सोचना शुरू कर दिया, मैंने तो सागर देख लिया, अब सागर ऑटोमेटिक मेरे को वो छीप दे देगा, मेरे को वो मोती दे देगा। क्या वो मोती मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो मोती हमें तभी मिलेगा जब हम उस सागर के अंदर डुबकी मारेंगे। और जैसे ही डुबकी मारेंगे, जितना नीचे 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 डीप डाइविंग करते जाएंगे, उतना 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 हम उस मोती के करीब जाते जाएंगे। और इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि जैसे सागर के अंदर जाने से, डीप जाने से जीवन के अंदर हमें मोती की प्राप्ति होती है, वैसे ये सारी साधनाओं को करने के बाद, मेडिटेशंस करने के बाद, सिद्धम, ओम स्वस्तिक त्रिशूल, अनंत ऊर्जा, शांतम, ये सारे सिंबलों को सीखने के बाद, ये सारे सिंबलों को यूज करने के बाद भी हमें क्या करना है? अंत में आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है। उस आत्मा को परखना है, उस आत्मा को जानना है कि जो हमारे अंदर ही छिपा हुआ है जीवन के अंदर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में पोयम में भी कहा कि हम सब है माटी के दिए, सबके अंदर ज्योति एक समान, मतलब हमारा आत्मिक स्वरूप एक है। मेरा नाम पूजा है, आपका नाम सपना है, आपका नाम सुमन है, आपका नाम निरुपमा बहन है, परंतु अंत में हम सब एक ही उस ज्योति के पार्ट है। तो हमें जीवन और जगत दोनों के ऊपर ध्यान देना होगा, हमें स्वयं के ऊपर ध्यान देना होगा। और जब जितना 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 हम स्वयं के ऊपर यानी कि भीतर के भगवान को पहचानना शुरू करेंगे, जितना जितना हमारी ध्यान साधनाओं में हम अंदर 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 उतरते जाएंगे, उतना उतना हमारा ध्यान, हमारा मन सूक्ष्म होता जाएगा। और जितना सप्तल, सप्तल बोलो या सूक्ष्म बोलो, जितना आपका सप्तल ऑरा बनता जाएगा, उतना पॉजिटिव पावर भी बढ़ता जाएगा। आप तेजस्वी होते जाते हो, जीवन और जगत को सूक्ष्मता से समझने की अंतर्दृष्टि आपके अंदर खुल जाती है। तो 24/7 मेडिटेशन करने के लिए या फिर 24/7 मेडिटेशन का आनंद लेने के लिए हमें जीवन के अंदर सबसे पहला काम करना है कि जो भी करो सजगता से करो, लॉजिकली सोच समझ के करो, हर एक चीज को पॉजिटिवली नेगेटिवली देख के करो। दूसरा चीज, अगर प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर मैं बोलूं, तो दूसरा चीज है कि 5 इयर्स का या 7 इयर्स का फ्यूचर देखो, और उस फ्यूचर को देखने के बाद कोई भी डिसीजन को लो। क्योंकि कभी कभी हम अगर बहुत हड़बड़ी में, बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हैं, तो शायद हमें पीछे से रिग्रेट, रिपेंट करना पड़ता है। तो अपने हृदय में, हृदय कमल में ध्यान करो, ध्यान की चेतना आपको सारी समझ दे देगी। कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं जीवन में कि क्या करो, किस तरीके से मैं कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालूं, जहां पर कोई ऊर्जा दूसरी काम नहीं आती है, और जहां पर आपको लगे कि अब मेरी बुद्धि क्षमता काम नहीं कर रही है, वहां पर उस पॉइंट से, उस मोमेंट से चीजों को सौंप दीजिए दादा आदिनाथ को। क्योंकि जहां से हमारी सोचने की, समझने की क्षमता बंद होती है, वहां से दादा आदिनाथ का जो अप्रतिम प्रेम है, जो अप्रतिम ऊर्जा है, जो अनंत आशीर्वाद है, वो मिलना शुरू होता है। कल के लेक्चर में निकुंज भाई ने बोला था कि आपको जितना 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 आगे बढ़ना है, उतना आप छोड़ते जाइए, राइट?
ये चीज बोली थी कल उन्होंने। दूसरा चीज बोला था कि जहां तक आप कर सको आप करो, बाकी अंत में सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ो, क्योंकि जो लिखा है नसीब में, जो लिखा है भगवान ने हमारे लिए, वो ही हमारी लाइफ में होना है। तो अपने हृदय में ध्यान धरो, हृदय की चेतना खुद ब खुद आपको सही समझ, सारी की सारी समझ दे देगी। जीवन के अनसुलझे सारे द्वार खुल जाएंगे। जहां पर भी कंफ्यूज हो, जहां पर भी भटके हुए हो, जहां पर भी डिसीजन नहीं मिल रहा है, लीव इट इन द हैंड्स ऑफ गॉड, लीव इट इन द हैंड्स ऑफ दादा आदिनाथ, कि दादा आदिनाथ अब आपके अलावा कोई तारण तरण जहाज नहीं है। जीवन के अनसुलझे सारे द्वार खुल जाएंगे, सत्य का बोध हमें मिल जाएगा, और जब ये सच्चा सत्य का बोध हमें होगा, वो सच्चा सत्य का बोध ही हमें 24/7 मेडिटेटिव स्टेट में रखेगा। क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद जो आनंद आता है, मेडिटेशन करने के बाद की जो ऊर्जा आप सबको फील होती है, उस ऊर्जा में अगर 24/7 रहना चाहते हो आप, तो आपको ये जो आज मैंने सजगता के बारे में, आत्म जागृति के बारे में बताया है, उस चीजों को खास 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 याद रखना है, और धीरे धीरे साधना का लेवल बढ़ाते 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 इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। चातुर्मास अभी है, आराधना अभी हम कर रहे हैं, रोज मिल रहे हैं, बीच में ब्रेक्स आ रहे हैं, इस पूरी सीरीज का भी एक फुल स्टॉप आएगा। तो उस फुल स्टॉप के बाद क्या, दूसरा प्रोग्राम ज्वाइन किया, तीसरा किया, चौथा किया, 10, 12, 15, 25 प्रोग्राम आपने ज्वाइन कर लिए, पर प्रोग्राम्स ज्वाइन करने से रियल में चेंज आएगा? अगर प्रोग्राम ज्वाइन करने से डायरेक्टली रियल में चेंज आ जाता है तो मोस्ट वेलकम। हर प्रोग्राम को मुझे पता है कि मेरे सारे भक्त अमर हीलर, मैं जितने भी प्रोग्राम दूंगी सभी को ज्वाइन करने ही वाले हैं, परंतु जितने भी प्रोग्राम आप ज्वाइन कर रहे हो, हर प्रोग्राम में से ऑप्टिमम आउटपुट आपको लेना है। क्योंकि जब तक वो अंदर से जागरण नहीं होगा, जब तक वो भीतर में से आवाज नहीं आएगी कि हे आत्मा, हे जीव, कहां पर तुम्हें क्या करना है, और कहां पर तुम्हें कहां अटकना है, कहां रुकना है, कहां छटकना है और कहां भटकना है, उसकी क्लैरिटी जब तक नहीं मिलेगी, तब तक कुछ भी चीजें काम नहीं करेगी। तो दादा की भक्ति करते करते आज बहुत सारी बातें मैंने आपको सजगता के बारे में बताई। स्वास्थ्यवर्धक कुछ 3 टिप्स देके माइक में हैंड ओवर करूंगी निकुंज गुरु जी को। गुरु जी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, तो अंतिम 2 मिनट के अंदर कुछ हेल्थ रिलेटेड टिप्स जो मैं जरूर देना चाहूंगी, कि 3 चीजें जो एकदम परफेक्टली टाइम पे करें, 3 ऐसी चीजें जो परफेक्ट समय पे करें। सबसे पहला, भूख लगने पर आहार करें। जब भी भूख लगे, भूख को मारो मत, अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूं ना, बाद में खा लूंगा, अभी तो मैं ऐसे हूं ना, नहीं। आप कहीं भी जा रहे हो, एटलीस्ट कीप अ ग्लूकोन डी का बिस्किट का पैकेट विथ यू। जब भी भूख लगती है एटलीस्ट 1 or 2 बिस्किट तो खा लो, क्योंकि अंदर से जब एपेटाइट के अंदर जो नेचुरल बोलते हैं कि प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। जब भूख लगती है तब खाते नहीं, और जब खाने को मिलता है तब हमारी भूख हमारे पास होती नहीं है, क्योंकि वो भूख तो मर चुकी है। इसलिए जब भूख लगे तब आहार करें, प्यास लगे तब पानी पिए, और समय पे सो जाएं। साइंटिफिकली भी प्रूवन है, मैंने भी 2-4 बार बोला है कि 6 to 7 आवर्स की गहरी नींद आवश्यक है। तो अगर 24/7 मेडिटेटिव स्टेट में रहना चाहते हैं, अगर आप लाइफ टाइम हेल्दी रहना चाहते हैं, तो ये 3 चीजों का खास 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 पालन करें। अपने भोजन में 3 चीजों का प्रयोग बहुत कम करें, अपने भोजन में 3 चीजों का प्रयोग बहुत ही कम करें। एक है नमक, दूसरा है चीनी यानी कि शक्कर मिठाई, और तीसरा है फास्ट फूड, जंक फूड। घर का बना हुआ नेचुरल चीजें खाइए, ज्यादा बेटर। हम जूस भी पीते हैं ना, तो नेचुरल नहीं पीते। ऑरेंज का जूस बनाया तो ऑरेंज फ्लेवर डालेंगे क्योंकि स्वाद नहीं आया, उसमें ऊपर से शुगर डालेंगे। सो ये ना करते हुए
जितना ओरिजिनल नेचुरल फॉर्मेट के अंदर हम चीजों को कंज्यूम कर सके उतना ज्यादा बेटर है। और तीन चीज आपके पास लाइफ टाइम होनी ही चाहिए, तीन चीज जो आपके पास लाइफ टाइम होनी ही चाहिए, जिसमें है फर्स्ट आपकी देखभाल करने वाला आपका परिवार। वो परिवार चाहे एक दो व्यक्ति का हो, पांच व्यक्ति का हो कि 50 व्यक्ति का हो, परंतु आपकी देखभाल कर सके वैसा आपका परिवार आपके पास होना चाहिए। दूसरा, दोस्त जो दिल से सच्चा प्यार करे, जिसको हम बोलते हैं कल्याण मित्र। सुखमा पण साथे अने दुखमा पण साथे, ऐसे कल्याण मित्र। मिनिमम 3 लोग लाइफ में इतने मैटर करते होने चाहिए कि जिसके सामने कोई भी पर्दा किए बिना दिल खोल के हम अपनी अच्छाई और हम अपनी बुराई बता सके। हम हमारा वर्स्ट से वर्स्ट केस भी जिस इंसान के सामने आंख खोल के, दिल खोल के बोल सकते हैं, हंस सकते हैं, रो सकते हैं, ऐसा दोस्त जीवन में खास होना चाहिए। तो दोस्त जो आपसे सच्चा प्यार करे। और तीसरा, आपका खुद का सकारात्मक विचार। जितना आप पॉजिटिव पावर्स में रहोगे, जितना आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहोगे, उतना आपका जीवन और ज्यादा मधुर हो जाएगा और ज्यादा सार्थक हो जाएगा। सो आज बहुत सारी बातों को करते हुए आगे बढ़ेंगे, गुरु जी को सुनेंगे। आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करते हुए एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। गुरु जी, अपूर्व कोटि की ज्ञान ध्यान साधना का प्रदर्शन करते हुए दोनों हाथ जोड़िए कमर से डिटार बैठते हुए युगादिदेव आदिनाथ भगवान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। अचिंत्य कोटि का भगवान को वंदना करते हुए आज हमारा खूब बेहतरीन आनंद के साथ दिन पसार हुआ है। सभी ने बराबर भोजन कर लिया है, आवश्यक क्रियाएं कर ली है और इसी के साथ में श्रुत सामायिक सामूहिक रूप से हजारों की संख्या के अंदर भक्तामर संकीर्तन की साधना में आप सभी लोग बैठे हैं। तो दो चीज आप खास 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 लिख लीजिए। अंतिम वास्तु शास्त्र के बारे में मैं आप सभी को लिखाऊंगा। आगे का हमारा जो पूरा प्रोग्राम है, सभी लोगों को राशि कार्ड मिल चुके हैं। 7 तारीख को वो राशि कार्ड लेकर के आपको बैठना है। जिनके भी पास आ चुके हैं, कुछ लोगों के राशि कार्ड हमने हमारे पास रखे हैं, तो जो राशि कार्ड हम आपको 7 तारीख के वो सगरम जाप में सिद्ध करके आपको भेजेंगे। साथ में हमने बहुत एक पावरफुल नवग्रह की औषधि भेजी है। आपने कई जगह पे कुंडलियां बताई है, लेकिन आपकी जो ओरा है, आपकी कुंडली में गति नहीं बढ़ रही, बिजनेस में गति नहीं बढ़ रही है, नवग्रह की आपने पूजा नहीं कराई है, तो उस औषधि से आपको स्नान करना है। शास्त्र में बताया, बहुत सारे लोग हाथ में स्टोन पहनते, कोई गुरु का, कोई चंद्र का, कोई डायमंड का, कोई मोती, अलग अलग। तो इसी प्रकार से वर्तमान में औषधियों का प्रभाव, 3 चीजों का प्रभाव जबरदस्त दिखेगा। एक है मंत्र, दूसरे नंबर में है मणि, मणि यानी स्टोन। मैं बहुत सारे लोगों के घर में जब अपन वास्तु देखते हैं, सलाह सूचन करते हैं, तो उन सभी लोगों को प्रेरणा करते हैं कि आपकी यदि कोशिश हो तो थोड़ा बहुत भी पैसा बचा करके एकाध क्रिस्टल की जो प्रतिमा है, स्फटिक की जो प्रतिमा है, वो आप आपके घर के अंदर रखिए। स्फटिक का जो वाइब्रेशन है वो पूरे घर के वास्तु के ओरा को बैलेंस कर देता है, क्योंकि मंत्र का प्रभाव जबरदस्त पड़ रहा है। इसीलिए भक्तामर जो महामंगलकारी आराधना, अभी करीबन 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने ये वीडियो सिर्फ 24 घंटों में देख लिया है और कंटिन्यूस रजिस्ट्रेशन के लिए फोन आ रहे हैं। गांव गांव, शहर शहर, देश देश से 8 तारीख से चालू होने वाला फ्री भक्तामर रिलिंग कोर्स में सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, जो जूम पर भी चलेगा, जो फेसबुक के ऊपर भी चलेगा। तो आपके पास राशि कार्ड आ गया। बहुत सारे जो ये 7 तारीख आखिरी दिन है, हमारे सारे भक्तामर आराधना के आराधकों को, जिन्होंने भी हमें 2400 रुपया दिया है, जिन्होंने भी हमारा 12,000 रुपये का जैन मंत्र साधना कोर्स लिया है, उन सभी लोगों को ये राशि कार्ड और औषधि और मार्गदर्शन की पूरी जो एक गाइडलाइन है वो फ्री ऑफ चार्ज हम आपके घर पे भेजने वाले हैं। तो अभी तक आपने नहीं उसमें बुक किया है एप्लीकेशन में जाकर के, तो जल्दी से जल्दी बुक कर ले। 7 तारीख के बाद आपको फ्री वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत शॉर्टेज है, रोज एवरीडे सभी के ऑर्डर आ रहे हैं। तो अभी भी जिन्होंने फ्री वाला नहीं बुक किया है, मोनाली, दीपांशी रोज एवरीडे आपको फोन करके बोल रही है, एप्लीकेशन में जाकर के फटाफट बुक कर दीजिए। आपके रिलेटिव के लिए जितने भी चाहिए वो भी जल्दी से जल्दी बुक कर दीजिए, क्योंकि 1.25 लाख वर्ष कर्म की साधना
उस यंत्र के साथ, उस कार्ड के साथ आपके घर में आने वाली है और औषधि के साथ आपके घर में आने वाली है। पहले नंबर की चीज ये हो गई। पैसे का कभी गुमान मत कीजिए। गुरुदेव ने आज दो चीज मुझे लिखवाई है, पैसे का कभी गुमान मत कीजिए। पैसा इंसान को ऊपर लेकर के जा सकता है, पैसा इंसान को ऊपर लेकर के जा सकता है। पैसा आ जाएगा, मंदिर बनाएंगे, समाज में नाम प्रतिष्ठा शोहरत, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले आप ले सकते हो, लेकिन उस पैसा का यदि आपने यूज नहीं किया, तिजोरी में भर करके ही रखा, तो वहां पर बात बता रहे हैं कि पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसा को ऊपर ले जा सकता नहीं है। जो मर मर करके बचा बचा करके आपने तिजोरी में रखे हैं, जैसे ही आपकी आंख बंद हो जाएगी, वो सारे पैसे आपको यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जितना भी अपने पास है वो सारा अच्छे कार्यों में लगा दीजिए। एक मुट्ठी गेहूं खेडूत बोता है, कुछ ही समय के अंदर मल्टीप्लाई होकर के उसके सामने रिटर्न आ जाता है। तो हर महीने दान कीजिए, हर रोज दान कीजिए। मेरे गुरुदेव तो बता देते कि आप रास्ते में निकलो तो 5-25 सिक्का जेब में ही रखना है। जो भी जरूरतमंद इंसान निकले, कम से कम मैं उसको 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया तो मैं देकर कि मेरे द्वार पर कोई भी खाली हाथ के जाए ना। भगवान के लिए एक सुंदर स्तवन बनाया हुआ है, तारे द्वारे आवी ने कोई खाली हाथे जाए ना, करुणा निदान कृपा निदान। उस महावीर के आप संतान हो, आपके पास अधर्मी आता है, आपके पास रिलेटिव आता है, कुछ भी नहीं हो, तो कम से कम 101 रुपया, 251 रुपया, 501 रुपया देकर के भी उत्कृष्ट कोटि की साधर्मिक की भक्ति करनी है। और जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार की अपूर्णता है, बहुत सारे हमारे भक्तामन हीलर जो है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत रोज नई नई वीडियो बनाते हैं, कुछ जो है वो बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन कुछ लोग कभी कभी अंदर से ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा इन सब चीजों में वीक हूं, तो उनके लिए भी गुरुदेव बता रहे हैं कि आप भी हमारे लिए बहुत बड़े कोहिनूर हो, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़िए। जीवन में किसी भी प्रकार की अपूर्णता है तो मन को मायूस मत होने दो। आप अच्छा दिखते नहीं हो कोई बात नहीं, आप अच्छा रोटी नहीं बना सकते हो कोई बात नहीं, आप लोगों की तरह अच्छा मोटिवेट नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, हर एक के भीतर में कोई ना कोई एक स्पेशलिटी रहती है, उसको ढूंढो, पहचानो। क्योंकि तो जीवन में किसी भी प्रकार की अपूर्णता है तो मन को मायूस न होने दो। अंधेरे को कोसने की बजाय जो आपकी कमजोरी है उसको आपकी ताकत बनाओ। अंधेरे के कोसने की जगह है वहां पर एक मीनबत्ती लगा दीजिए, आप ऑटोमेटिक स्वयं अंधेरे से बाहर निकल जाओगे। जो आपकी कमजोरी है उसी को ताकत बनाना है। आप चल नहीं सकते हो, आप दौड़ नहीं सकते हो, आप बोल नहीं सकते हो, आप गा नहीं सकते हो। कल मैंने ध्वनि का बोला आपको, तो अलग अलग प्रकार के राग रागिनी भक्तामर अलग अलग राग के अंदर हम भी तैयार कर रहे हैं, आप भी गाइए और उसको गाते हुए गुनगुनाते हुए संतों का सत्संग कीजिए, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय कीजिए, उसी स्वाध्याय के अंदर आगे बढ़ते 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 अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करें। कम से कम और किसी को आप आगे नहीं बढ़ा सको तो आपके जो स्नेही स्वजन है उनको आगे बढ़ाते 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 आज नहीं तो कल, जो ये तीन चीजें करते हैं। पहले नंबर की चीज, रोज संतों का सत्संग करो, रोज पंडित जी को सुनो। 600 से भी ज्यादा वीडियो आज से आप जुड़े हो तो मेरे 600 वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। आपको जो गुरु महाराज से दिखते हैं, जो गुरु महाराज के प्रति बहुत लगाव है, जिसका प्रवचन सुनना अच्छा लगता है, रोज सत्संग करो। दूसरे नंबर की चीज, अच्छी चीजों का स्वाध्याय करो। तरुण सागर जी महाराज साहब जी जो दिगंबर महा मुनि थे वो काल हो गए, और लगातार कहते थे कि आपका जो डाइनिंग टेबल के ऊपर आप बहुत बार फ्रूट रखते हो, वहां पर साथ साथ में कभी एकाध किताब भी आप रख दिया करो, कि जब माता जी खाना पुरस रही है तो दो चार पन्ने भी, एकाध पन्ने भी डाइनिंग टेबल के ऊपर, सोफा सेट के पास जो टेबल पड़ा है उसके ऊपर दो चार पुस्तकें भी घर में पड़ी होगी, और दो चार शब्द भी यदि यहाँ पर आ जाएगा तो हजारों परिवारों में जीवन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। तो दूसरे नंबर की चीज, पहले नंबर में रोज सत्संग करना है, दूसरे नंबर में कम से कम एक पन्ना तो पढ़ना है। और एक पन्ने में पढ़ने की मैं ताकत आपको बताता हूँ, जीवन में कभी आगे हमारा कंटिन्यूस चातुर्मास चलता रहेगा तो एक बार मेरी इच्छा है, और मैं तो बहुत बार प्रवचन में बोलता हूँ कि दो पूजा रोज आप करो। अब पूजा सब जगह पे लगभग चालू हो चुकी है, एवरी डे मूलनायक भगवान की, कितना भी आपको भागम भागी क्यों नहीं है,
तो मूल नायक भगवान की पूजा करनी है, उसके बाद जो सिद्ध चक्र जी भगवान का गट्टा है, शिव चक्री का गट्टा देखा है ना सब लोगों ने, तो कि नौपत जी की पूजा रोज हमें करनी है। और दूसरे नंबर के अंदर विष स्थानक का गट्टा है, जिस सिद्ध चक्र जी का गट्टा होता है वैसे विष स्थानक का गट्टा होता है, वैसे विष स्थानक की प्लेट भी होती है, क्योंकि विष ऐसे परम पावन तत्व है, आराध्य चीज है, कि विष पदों की आराधना से अवश्य में मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। जब गिरनार के अंदर हेमप्रभु महाराज जी के साथ में मिलना हुआ, करीबन 1-1.5 घंटे तक हम बैठे, बहुत सारी उन्होंने पुस्तकें दी, ज्ञान चर्चा की, उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग छठ करके साथ यात्रा करते हैं, तो प्राय शास्त्र में लिखा है कि छठ करके जो यात्रा करे वो नियमा मोक्ष में जाता है, 6-7 भोग के अंदर जाता है, बे उपवास और यात्रा, पर उससे भी एकदम सरल मार्ग, जिनके 50 साल हो गए, जिनके 60 साल हो गए, जिनके नी रिप्लेसमेंट हो गए, जो ज्यादा चल नहीं सकते, जो यात्रा नहीं कर सकते, तो कि 6 महीने तक लगातार जो गिरिराज का ध्यान करता है, रोज गिरनार की भाव यात्रा करो, 6 महीने तक जो लगातार गिरनार का जो ध्यान करता है वो व्यक्ति अवश्य में तीसरे भाव में मोक्ष में जाता है। कितनी सरल वस्तु जे भाई, रोज सवेरे 10 मिनट करवानू, यूट्यूब चालू करीने बेसी जवानू, आंख बंद करता करता बत्ती टूको ने नमन करता 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 चंद्र प्रभु जी नी टूक, नेमिनाथ भगवान नी टूक, सहसावन ज्या भगवान दीक्षा कल्याणक छे, कोटि कोटि प्रणाम करी रह्यो छु, अष्टप्रकारी पूजन करी रह्यो छु, ए भाव साथे जे मनुष्य आ करे छे ए व्यक्ति नियमा मोक्षगामी बनी जाय छे। तो जो विशेषतारक पद की हमारी बात चल रही थी कि रोज क्यों पन्ना एक पढ़ने का है, क्योंकि उसमें एक पद आता है अभिनव ज्ञान पद, नाम लिख लीजिए सभी लोग, अभिनव ज्ञान पद। तो कि अभिनव ज्ञान पद क्या है, तो कि जो मनुष्य प्रतिदिन एक गाथा कंठस्थ करता है, 4 लाइन की एक गाथा, भक्ता मर प्रणदमोलि मणि प्रमाणम उद्योदकम दलित भाव दमो विधानम, 4 लाइन पक्की रोज करे, वो भी व्यक्ति नियमा मोक्ष में जाता है। मोक्ष में जाने के सरल राज, सरल रस्ते, सुपर फास्ट रस्ते, तो खास 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 पहले नंबर में सत्संग करो, दूसरे नंबर में स्वाध्याय करो, और तीसरे नंबर में अपने इच्छा शक्ति को बलवान बनाओ। कोई भी महापुरुष का चरित्र सुनते हो, अभी अभी सूरत के अंदर 1200 से ज्यादा साधु साध्वी जी भगवंतों का फोटो पूरे भारत भर के अंदर घूम रहा है, 18-18 आचार्य भगवान, 16-16 आचार्य भगवान, तो ये इतने सारे 1200 साधु साधु अभी अभी जो वैसे पूजा ने बोला हम सभी को भी संयम लेना है, तो भगवान को बोला भाई मेरा मृत्यु के आखिरी समय तो मेरे सफेद वस्त्र हो, गिरिराज का मैं ध्यान करूं, ऐसी दशा हो भगवान जब प्राण तन से निकले, मेरे हाथ में संयम का रजोहरण हो, सिद्धि माते गावी छे मारे साधना नी सरगम। ये रियल भाव को जागृत करना, ये वास्तु शास्त्र में आपको सिखा रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र सिखा रहा हूँ, इसीलिए सिखा रहा हूँ कि जो छोटी मोटी अड़चनों में से फटाफट 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 बहुत कम समय बचा है, आधी जिंदगी ज्यादातर लोगों की खत्म हो चुकी है, कब हमारी आंख बंद हो जाएगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, जो दान देना है, जो त्याग करना है, जो समा भाव करना है, जितने भी लोगों ने अभी तक भावालोचना नहीं ली है, अब तो हमारे पास हेमवल्लभ सूरी महाराज साहब जी मिल गए, उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से बोला है कि कोई भी भक्तामर इलर को भाव आलोचना लेनी है बिंदास पूरी तरह से खुल करके और सारी आलोचना लिख करके गिरनार गिरिराज दर्शन जो धर्मशाला है वहां पर भेज दीजिए, सभी को प्रायश्चित में लिख करके भेजूंगा। पहले हमारे बीच में गच्छाधिपति जयगोश्री महाशय जी थे जो बहुत सारे लोगों को देते थे, वो अभी नहीं है, तो मैंने पूछा हमारे काफी सारे लोगों को भाव आलोचना लेनी क्या करे, बोले मेरे पास में सब लोगों को जितने भी लोग मेरे को भेजते हैं उनको मैं प्रॉपर रूप से सभी को लिख करके भेजता हूँ। भाव आलोचना मनुष्य खाली लिखता है, देखिए गलती तो हजारों मेरे से अभी तक हुई है, भविष्य में कितनी होगी वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज जी बता देते प्रवचनों के अंदर, खाली आप भूल का इकरार करते हो कि हाँ भगवान मैंने झूठ बोला, भूल नो तमे मात्र इकरार करो छो क्या तमारू 50% पाप धोवाई जाए छे। તમે ગુરુને આમ લખીને આપો જો ગુરુદેવ મારે આ બધા પાપો નોતા કરવા, પણ મેં કુકના પ્રેશરથી કર્યા, મેં મારી જુવાનીના અવસ્થામાં કર્યા, મેં ગુસ્સાથી કર્યા, કુકનાથી હું પ્રભાવિત થઈને મેં કર્યા, આવું ખાલી મનુષ્ય લખે છે ત્યાં તમારા બીજા 25% પાપો
सटासट 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 खत्म थी जाए। અને ગુરુ માં સાહેબ ફિર આપકી જો ભવિ કવિતા કે હિસાબ સે આઈ મેલ દે એકાશના દે ઉપવાસ દે મૌન દે પૂર્ણ રૂપ સે આપકા આત્મા નિરંજન નિરાકારી અવિચળ એસે મોક્ષ દશા કા મહાસાધક બન જાતા હૈ। તો જિતની મહેનત આપ પૂજન કે લિયે કરતે હો, જિતની મહેનત વાસ્તુ કો બનાને કે લિયે બન કરતે હો, ઉતની હી મહેનત હમે હમારે આત્મા કો બનાને કે લિયે કરની હૈ। ઓર ઇસીલિયે અપની ઈચ્છા શક્તિ કો જાગૃત કરો। मैं भगवान महावीर का संतान हूँ, मुझे आदिनाथ भगवान का परम भक्त बनना है, मुझे विनम्र बनना है। बाहुबली को जैसे ही याद करो, जहां कहीं भी गुण दिखे वहां झुक जाओ। अरिहंत ना ध्याने अरिहंत बनी जसो, जिननी भक्ति करता करता जीन बनी जसो। जेवु तमने जोवू गमे छे, जेवु तमने बोलवू गमे छे, एना उपर तमारी आखी सृष्टि नु निर्माण थाय छे। वास्तुशास्त्र के अंदर नंबर 21 आपको पॉइंट में अभी लिखा रहा हूँ, जो जो भी आपको जरूरी हो सब लोग आप लिख लेना। कभी भी मुख्य दरवाजा के सामने कोई भी अवरोध नहीं होना चाहिए। आपका घर के सामने एग्जिट यदि जो लिफ्ट है तो खूब नकारात्मक एनर्जी, पूरे दिन की नकारात्मक एनर्जी सीधी आपके घर में आती है। मुख्य दरवाजा के सामने कभी भी आईना नहीं होना चाहिए। बराबर नोट पेन ले लेना है, बराबर सभी को लिखना है। यदि आपको आपके जो और जिनको भी अच्छे अक्षर है उनको तो खास आज लिख करके इसकी फोटो बना बना करके आपके सारे रिश्तेदारों को भेजना है। जैसे ही मेन एंट्री है उसके सामने टॉयलेट होना भी बहुत अशुभ माना गया है। एक साथ में तीन दरवाजा, जैसे एंट्री किया वहां पर दरवाजा, बीच में एक वापस दरवाजा, वापस एक तीसरा दरवाजा, तीन दरवाजा यदि सड़ंग है तो उससे भी नकारात्मक एनर्जी प्रचुर मात्रा में प्रवेश करती है। सुकन के लिए हर व्यक्ति को अपने घर के आगे अष्टमंगल का चित्र लगाना है। जैन का घर भी पता चल जाएगा, साधु साधे जी भगवान को गोचरी ओढ़ने का लाभ भी मिल जाएगा। तो दो चीज, घर के बराबर दरवाजे के आगे आपको अष्टमंगल की पट्टी लगाना है और घर के दरवाजे के पीछे सुरक्षा कवच यंत्र आप सभी के पास है, उन सभी लोगों को अपने दरवाजे के पीछे लगाना है, किसी को नहीं दिखे उसी तरह से। खास करके महाभारत का जो चित्र है, लड़ाई का चित्र है, भाले का चित्र है, तूफान का चित्र है, युद्ध का चित्र है, वैसे कोई भी चित्र घर में रखने नहीं, ऐसे कोई भी पोस्टर आपको नहीं रखने हैं। साउथ के अंदर समय शिखर, आपके घर में पालीताना का फोटो है तो उसको बराबर चेक करना है। उनको हमेशा साउथ के अंदर समय शिखर और पालीताना का फोटो ओनली फॉर साउथ में ही रखना है। जो आपका बेडरूम है, बेडरूम के अंदर कभी भी आपके बेड के सामने आईना रखना नहीं है। तैयार होने के लिए आपने बनाया हुआ है तो थोड़ा सा ऐसे रखना है कि दरवाजा बेड आपका जो है वो पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद रख सकते हो। बाथरूम में रख सकते हो, चेंजिंग के लिए ये अलग रूम बनाया है उसमें रख सकते हो, पर बेडरूम के अंदर वो आईना रखना महावास्तु दोष है। जिसमें जहां पर भी आप सो दो उसका प्रतिबिंब पड़े वैसे नहीं रखना है। साइड में आप रख सकते हो और है तो उसके आगे फिर पर्दा लगा करके काम, जब जब आपका मेकअप कर लो तैयार हो जाओ उसके बाद आपको बंद कर देना है। खास करके जो मुख्य दरवाजा है उसके सामने पैर रख करके नहीं सोना है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, जो झाड़ू होता है वो सबके सामने कॉमन में रख देते हैं। तो आपके घर का जो झाड़ू है, धनतेरस के दिन झाड़ू लेना बहुत शुभ माना गया है। और एक बात समझ लेना, जितने भी लोग है वास्तुशास्त्र के प्रयोग कर रहे हैं, काफी सारे लोगों के घर में तो प्रैक्टिकल हम जा जाके करा रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि लंबे समय से 5, 10, 25 साल से आप रहते हो और घर एकदम पुराना हो चुका है, घर में उधई बहुत हो चुकी है, बहुत सारी जीवातें निकल रही है, तो कम से कम और कुछ समझ में आए या ना आए लेकिन व्हाइट हाउस, पूरा घर व्हाइट बना देना, उससे भी काफी सारी नकारात्मक एनर्जी क्लीन हो जाएगी। लंबे समय तक यदि कोई भी आपने चेंजेस नहीं किया है तो सकारात्मक ऊर्जा के लिए थोड़ा बहुत खर्चा होगा, लेकिन नहीं कराओगे तो लंबी बीमारी, नकारात्मक एनर्जी, शरीर में थकान थकान, कॉम्बिफ्लेम की दवाओं का खाने का अवसर आ सकता है। 15 दिन महीने में हमने जो आपको नमक भेजा हुआ है
या तो सोल्ट जो वहां पर मिलता है हिमालय सोल्ट आपके आसपास में कहीं से भी, तो उनसे खास 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 आपको फोटो को पोचा लगवाना है। फूलदानी खास करके 15 दिन मिस्त्री, अभी तो पूजा चालू हो चुकी है, आप सब लोगों का मंदिर भी बहुत शानदार बन चुका है, तो हो सके तो हर हफ्ते में एक बार 10 रुपया 20 रुपए का फूल ला करके, जितने भी आपके घर में यंत्र है, जितनी भी प्रतिमा है, पुष्प एक संजीवनी शक्ति है, तो आपके घर में रखी हुई पूजा की जितनी भी चीजें हैं उनको 15 दिन में 5 रुपये 10 रुपए का फूल चढ़ा करके वापस उसको ऊर्जावान बनाना है। किचन के अंदर और बेडरूम के अंदर खास, जो बहुत सारे लोगों के घर में गलतियां हो रही है और उसके कारण उनके बेटे बेटियां धर्म से विमुख हो रहे हैं, कभी भी बेडरूम में कभी भी किचन में मंदिर होना नहीं चाहिए। आज है, तुरंत अभी तुरंत निकाल दीजिए। खास करके आज एक और चीज चेक करना है, घर में जितने भी नल है बिना काम के पैसे आपके घर में से वेस्टेज चले जाते हैं, बहुत प्लानिंग करके पैसा आप बचाते हो फिर भी बिना काम का खर्चा आ रहा है, तो उनके लिए हमारे घर में कोई भी नल टपक 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 वाला नहीं होना चाहिए, वो सबसे बड़ा वास्तु दोष है। किचन के अंदर खास करके अग्निकुणा में किचन होता है तो सगड़ी जो गैस है और मटके का पानी है वो कभी भी साथ में नहीं रखना है, उनके बीच में थोड़ा सा अंतर रहना बहुत 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 अनिवार्य है। दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर हरियाणे दृश्य है, ग्रीनरी वाले दृश्य है, वो खास 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 रखना है। कभी भी किसी को भगवान का फोटो भगवान की प्रतिमा गिफ्ट देना नहीं है, ये सबसे बड़े आप लिख लीजिए पहले ही। बहुत सारे लोग प्लास्टिक की केमिकल वाली प्रतिमा 100 200 500 ला करके दे देते हैं और कचरे के अंदर वो सारी प्रतिमा जाती है। हमने ऐसे कई सारे कचरे वालों की दुकानों में से हजारों पुस्तकें हमारे गुरु महाराज साहब जी की कोई रेपर भी नहीं खोलता है और सीधा बस्ती में बेच देता है। तो जिसको जरूर याद है, जब कोई भी आप धार्मिक चीजों की प्रभावना करते हो तो आपको पूछना है कि भाई तुझे जरूरियात है तो ही पुस्तक और प्रतिमा की प्रभावना करे। कितनी सारी प्रतिमाओं ऐसे कचरे के ढेर के अंदर अपनी जैन धर्म की मिलती है, प्लास्टिक वाली केमिकल वाली जिसका कोई प्रभाव नहीं है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जो देखने में आकर्षक नहीं है। बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी पद्मावती माता की प्रतिमा लोग घर में ला करके बिठा देते हैं जो केमिकल की रहती है, जिसकी आंख नाक टेढ़ी रहती है, कोई दृष्टि का मिलन नहीं होता है और कुछ समय के अंदर वो खंडित हो जाती है। खंडित एक भी प्रतिमा नहीं रखनी है, तो कि ऐसी कोई भी प्रतिमा घर में नहीं रखनी है। कम रखेंगे तो चलेगा, आंख बंद करके ध्यान कर लोगे तो चलेगा, लेकिन ये सारी नकारात्मक एनर्जी का निर्माण करेगी। इतनी भी प्रतिमा लाओ पर कैसी मनमोहक, एकदम लिस्सी हो, चेहरा एकदम व्हाइट एंड व्हाइट हो, जिसको देखने का बार बार मन करे, आपके बेटे आपके बहू आपके घर सगे संबंधी जिसके सामने 10 मिनट बैठे। मार्केट में तो हजारों प्रकार की चीज मिलने वाली है, लेकिन आपके लिए क्या सही है वो आपको तय करना है। जिस प्रकार से कपड़े में आप नंबर वन चीजें लेते हो, संसार की चीजें नंबर वन लेते हो, तो 5 प्रतिमाओं को छोड़ो लेकिन एक ऐसी लाओ कि देख करके दीवाने हो जाए। हमारे भक्ता मरिलर कितने सारे ऐसे परिवार है, उनके घरों की खाली प्रतिमा देखे, आप पूजनों के सारे फोटो आते थे आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाओ, अलौकिक प्रतिमा सब लोगों ने अपने अपने घर में रखी है। तो विराधना से बचना है, प्रतिमा आदि से संभालना है खास करके। और आखिरी बात, घर के अंदर अपने बच्चों की जितनी भी तस्वीरें हैं वो साउथ के अंदर लगानी है, और आपको धार्मिक चीजें देनी भी है तो एक खास पुण्यानुबंधी पुण्य वाली मैं आपको आज चीज बताता हूँ। करीबन हमने 1 लाख से भी ज्यादा जो पानी का गरणा आता है, हमारी जब यात्रा थी बम्बई से चेन्नई की, तो हर गांव में भक्त गौतम स्वामी पूजन कराते थे, जितने भी लोग पूजन के अंदर आए सभी को पानी के गरणा की प्रभावना, उसका कोई दुरुपयोग भी नहीं कर पाएगा और अपने घर में लगाएगा तो ज्यादा से ज्यादा जीव दया का पालन होगा।
एक मुपत्ति का दान, कल्प सूत्र के अंदर बताया कि मनुष्य एक मुपत्ति का दान दे तो कितना लाभ मिले, तो कि 1500 गाय जो है, प्रेग्नेंट गाय, गर्भवती गाय, उनको कोई कसाई लेकर के जा रहा है, उनका मर्डर ही होने वाला है, लेकिन उसको बचाने से जितना लाभ मिलता है, जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य किसी को आप एक छोटी सी मुपत्ति देते हो तो उससे मिलता है। और इसी श्रृंखला के अंदर हमने भी संकल्प लिया है कि पूरे भारत वर्ष के अंदर 10,000 परिवारों के घर के अंदर भक्तामर पट की स्थापना कराने वाले हैं। हमें ऐसे युवा कार्यकर्ताओं की जरूरत है कि जो अपने छोटे छोटे गांवों के अंदर, जैसे हमने प्री कोर्स को जो है घोषणा की, कई ऐसे छोटे छोटे बिहार के छोटे छोटे गांवों में से, पंजाब के छोटे छोटे गांवों में से, चंडीगढ़ के पास से फोन आया, तो ऐसे छोटे छोटे गांवों में भी भक्तामर की भक्ति हमें पहुंचाना है। और 2 साल तक 2021 और 22 ऐसी हम भक्तामर की जबरदस्त भक्ति करें, 2022 में जब पालीताना का चतुर्मास करें, तब रोमे रोमे श्री नवकार, रोमे रोमे आदिनाथ, कर्म खपावे आदिनाथ, क्योंकि तो इसी प्रकार से पूरी तरह से वास्तु शास्त्र को समझते हुए, जानते हुए, आप सभी लोगों को 2 वास्तु का यंत्र बराबर 21 मार्च को हमारी एप्लीकेशन के अंदर, 21 फरवरी को, ये जैसे ही हमारा कोर्स खत्म होगा, 8 तारीख से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो 8 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक लगातार ये भव्य आराधना चलेगी, जिसके अंदर जिन जिन लोगों को अपने चक्र शुद्ध कराने हैं, जिन जिन को अपने चक्र को एडिटमेंट कराना है, उन सभी के साथ में टोटल 4 महा अनुष्ठान, जिसे सबसे पहले पानी चार्ज करने के, जो भी लोग हीलिंग करते हैं उनको खास ये अभिमंत्रित पानी पीना है। अब तो आपके घर पे भी लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे, पूरी इंडिया खुल चुकी है, पूरे विश्व के अंदर आनंद की मात्रा बहुत बढ़ रही है, तो सबसे पहला आपको सुरक्षा कवच यंत्र मिलेगा, उससे ऊपर आप कांच के ग्लास में पानी रखेंगे, कैसे चार्ज करेंगे वो आपको सिखाएंगे, एक अद्भुत सरस्वती माता का मंत्र, सैकड़ों लोग साथ में मिलकर के वसंत पंचमी के दिन महामंगलकारी सरस्वती महापूजन, जिसको भूलने की बीमारी है, जिसकी जिभ तुतलती है, जिसको नींद नहीं आती है, जिनको नए नए बिजनेस के आइडिया आते हैं लेकिन वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, जिनको भक्तामर, पंचप्रतिक्रमण, नवस्मरण, जैन धर्म के अलग अलग सूत्रों को पढ़ना है, पढ़ाना है, मास्टर टीचर बनना है, बारम्बार नैना बेन की अनुमोदना करने की मन होती है, भले अकेले ही अकेले 25 लोग आए, 20 लोग आए, लेकिन पूरे बंबई के अंदर जो एक भीष्म संकल्प से हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भक्तामर की यशोगाथा सबको सिखा रहे हैं, तो आपके पास भी जो ज्ञान है वो आप बांट सकते हो। तो इसी श्रृंखला में सरस्वती महामंगलकारी पूजन और गुरु पुष्य नक्षत्र के अंदर आपकी जितनी भी कुंडली है, क्या दोष है, चंडाल योग है, पितृ दोष है, ग्रह दोष है, नक्षत्र दोष है, इन सभी दोषों का निवारण करते करते जिनके भी पास औषधि नवग्रह की आ चुकी है उनको बराबर परसों से 7 तारीख से उन्हीं से नाना है, थोड़ी थोड़ी औषधि पानी में डाल करके मेरे सारे नवग्रह अनुकूल हो चुके हैं, मैं पूर्ण ऊर्जावान हो चुका हूँ, औषधि के ऊपर पूरा लिखा हुआ है, और ये औषधि के स्नान के बाद पूर्वकालीन समय के अंदर सिद्धार्थ राजा का वर्णन आता था कि सिद्धार्थ राजा जब नहाने जाते थे तो अलग अलग तेलों से वो मालिश कराते थे। तेल का भी जबरदस्त बड़ा शास्त्र है, तो कई सारे ग्रंथों का मिलन करते हुए, कई सारे गुरु भगवंतों के पास जाते हुए बहुत पावरफुल वनस्पति का चूर्ण हमने आपको भेजा है, तो 7 तारीख तक जिनका आ गया है उन सभी लोगों को 7 तारीख के स्टार्ट करना है, और जिन लोगों का अभी भी फ्री भी लेना बाकी है, जल्दी से जल्दी कार्यक्रम के बाद फटाफट फटाफट आप एप्लीकेशन में जाकर के अपना बुक कर ले। मार्च महीने की तारीख 1, 2, 3 बराबर नोट में सभी लोग लिख लीजिए, जो भी लोग चेन्नई में रहते हैं, चेन्नई के आसपास में रहते हैं, भव्य रूप से भक्तामर महायात्रा का शुभारंभ हो रहा है, तो 1, 2 और 3 तारीख तक एवरीडे सुबह और शाम भक्तामर की दिव्य साधना चेन्नई के अंदर हम सभी को सिखाने वाले थे। आपके जितने भी रिलेटिव चेन्नई में रहते हैं वो सभी लोग सादर आमंत्रित है, वहां पर रूबरू मिल भी सकते हैं और ये पूरी भक्तामर की आराधना वो सीख सकते हैं। खास करके 4 मार्च को गांधीनगर जैन भवन जो बेंगलोर के अंदर आया हुआ है, हमारे सीमा संघवी जी ने बहुत शानदार रूप से तैयार, बेंगलोर में जितने भी लोग रहते हैं, तो 4 तारीख को गांधीनगर में भक्तामर हीलिंग शिविर है, 5 तारीख को राजाजी नगर लुनिया भवन, जितने भी लोग है 5 तारीख को वहां पर सीधा हम मिलेंगे, जिसको हीलिंग लेना है, जिसको आगे और अभ्यास करना है,
जिसको पूरे कर्नाटक के अंदर काफी सारी हमारी आने वाली योजनाएं स्टार्ट होने वाली है। पूरे कर्नाटक को और पूरे तमिलनाडु के अंदर विजय भक्तामरलिंग सेंटर ओपन होने जा रहे हैं। 6 तारीख को निपाणी में कार्यक्रम रहेगा, 7 तारीख को कोल्हापुर के अंदर रहेगा और अति भव्य रूप से 54 जोड़ों का पार्श्व पद्मावती महापूजन 11 तारीख को खास करके पूना के अंदर और 12 तारीख को अति भव्य रूप से 12 मार्च को पूना में भक्तामर हीलिंग शिविर होने जा रही है। हमारे सुजाता बेन, हमारे स्नेहल बेन चोरड़िया, वो सब लोग लगातार पूरे पूना के अंदर बैनर है, पेम्पलेट है, प्रचार है, प्रसार है, सभी लोग इस भक्तामर की दिव्य साधना करें। तो 11 और 12 मार्च को ये पूरा कार्यक्रम पूना के अंदर रहेगा। 13 मार्च को चेंबूर दादा आदिनाथ के परम पावन सानिध्य के अंदर अति भव्य अनुष्ठान चेंबूर बंबई के अंदर होने जा रहा है। 14 तारीख को कार्यक्रम भाईंदर या वसई के अंदर होगा और 15 तारीख को नवसारी के अंदर अति भव्य रूप से भक्तामर हीलिंग शिविर संपन्न होने जा रही है। इसके बीच में आप आसपास में कहीं पर भी है, आप आइए, आपके सगे संबंधियों को ये पूरी शिविर निःशुल्क है, सभी लोग आ सकते हैं, सभी लोग सीख सकते हैं, सभी लोग भक्तामर का दिव्य प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और इस शिविर के दरमियान हजारों घरों में मैं खुद जाकर के, हमारी टीम खुद जाकर के भक्तामर पट्ट की स्थापना कराएंगे। आप लोगों को भी, जो जो भी लोग उत्साही लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि कम से कम मैं 24 लोगों को तो भक्तामर की पट्ट की स्थापना कराओ, उनको खाली एक ही काम करना है, दिन में 5 मिनट इस पट्ट के सामने पूरा भक्तामर या भक्तामर का एक श्लोक बराबर 2 साल तक बोलना है। तो ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता कि जो कहेंगे भाई मेरे आसपास के 24 घरों में जाकर के मैं ये प्रार्थना कराऊंगा, और कोई इसका मूल्य नहीं है, मात्र भक्तामर की भक्ति करते रहिए। आप सभी लोगों के असीम आशीर्वाद से ये महामंगलकारी त्रिवेणी संगम जैन धर्म का प्रचार प्रसार, 10,000 घरों के अंदर भक्तामर पट्ट का स्थापन, अने देव परिवार जैसे आपकी मुस्कान अभी आ रही है, जैसे 9 बजते आप इसके सामने आ जाते हो, और ज्यादा देव परिवार बने, और ज्यादा उत्साह युवान बने, और ज्यादा स्वस्थ समाज बने। इसी के लिए पुण्य का जब उदय होता है, अंतिम लाइन सभी लोग लिख लेंगे, पुण्य का जब उदय होता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है, पुण्य का जब उदय होता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है, पर पाप का जब उदय होता है तो थप्पड़ मार के ले जाता है। छप्पर फाड़ के चाहिए, ध्यान से सुन लेना, ढगला बंद पैसा जोइए, ढगला बंद सुकृत ना कामो करवा छे, ढगला बंद करुणा छे, वात्सल्य छे। काले आपणे બધા જે ખાસ અગુણવંતી બેન ની જે ભાવના સાંભળી, અદ્ભુત સોનાના મંદિર, હું સોનાનું મંદિર જોઉં છું ને મને સોનાનું મંદિર બનાવવાના ભાવ જાગે છે, તો એક વસ્તુ સાંભળી લેજો કે ખોબે ખોબા ભરીને જયારે તમારે જોઈએ છે તો ખોબે ખોબા ભરીને પુણ્ય પણ કમાવું પડશે। ઇસીલિયે આખરી લાઈન મેં બતાયા હૈ કે યદિ છપ્પર ફાડ કે કોઈ ચીજ આપકો ચાહીએ તો અવશ્ય મેં વો પુણ્ય કાર્ય આપકો કરને પડેંગે। और इसी के लिए पुण्य कार्य कैसे होगा कि वास्तु शास्त्र आपका मजबूत होगा, तो ये आपके मन में, ये बहुत सारे लोग पूरा क्लास खत्म हो जाते हैं फिर फोन करते हैं, क्लास में गुरु जी शू कीधु खबर न पड़ी, पहले खबर पड़े ज नहीं, कारण के ना घर नी अंदर वायव्य पूरा खराब हो, क्लास में अहिया जो है, घड़ीक में मोबाइल जो है, घड़ीक में टीवी जो है, अत्यारे आपणी साथे लगभग 600 जना भणी रहा है, 200 થી 300 જણા बराबर आराम थी, कोई सूतू छे, कोई टट्टार बेठो छे, कोई आंखो आछू करे छे, वच्चे गुरुजी क्या बधाने जोवे छे, कोई पाछा कोई आजूबाजू में जोई ले केम छो केम नहीं। पर एक बात समझ लेना कि जीवन में हर चीज वापस आएगी, अभी जो 10 बजे है, अब 1,00,000 प्रयत्न करेंगे वो वापस आने वाला। और इसीलिए बुजुर्ग की अंगुलियों में कोई ताकत नहीं होती है, जिनके मम्मी पापा अभी जिंदा हैं, आपके लिए स्वर्णिम अवसर है, जितनी ज्यादा हो सके उतनी सेवा कीजिए, उनके संकल्पों को पूर्ण कीजिए, अच्छे अच्छे तीर्थ यात्रा कराइए, उनके नाम से दान दीजिए, कभी कभी मौका मिले तो उनकी थोड़ी बहुत पैर चंपी, पग चंपी, सिर चंपी सेवा कर लीजिए। बुजुर्गों की अंगुली में कोई ताकत नहीं होती है, दादा कदा थाकी गया हो बेड रेस्ट से, कितना समय थी बेड रेस्ट से, मम्मी कदा हाली पण सकती नथी, रसोई पण बनावी सकती नथी, पण गुरुदेव बता रहे हैं कि बुजुर्गों के अंगुली में कोई ताकत नहीं होती, मगर जब आपका सिर उनके चरणों में झुकता है, मगर आपका सिर जब उनके चरणों में झुकता है तो उनके कांपते कांपते हाथों से,
गम्मे तेवो बाप बीमार छे, गम्मे तेवी माँ बीमार छे, पण तमे ज्यारे एना चरण पकड़ो छो, एने आम गड़े लगाड़ो छो, एना माथा उपर हाथ करो छो, एने प्रीत करो छो, एने स्नेह करो छो, तो इतिहासकारों कहे छे कि मगर आपका सिर जब उनके चरणों में झुकता है तो उनके कांपते हाथों से दुनिया भर की ताकत आपको दे देते हैं। जे अंगुली में ताकत नहीं, पण ई अंगुली पासे एवी शक्ति छे कि दुनिया नी बद्दी ऊर्जा तमारी अंदर इंस्टॉल करी देशे। तो जेटलू बने एटलू, जीवित छे तो सेवा करी लईए, जीवित नहीं तो मठवाड़िए 10 दिवसे एमना फोटा नु ध्यान करी लईए, प्रणाम करी लईए, नमस्कार करी लईए, अने नमस्कार भावने, ए वंदनाना भावने स्वीकारता स्वीकारता लगभग वास्तुशास्त्र नी बद्दी ज वातो तमने समजण पड़ी गई छे। खूब 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 तमारू घर खूब आनंदकारी थाय, मंगलकारी थाय, खूब तमारा बधानी हेपीनेस वधे। काले आवती काले लंडन मां पाछो क्लास छे, कम बे त्रण दिवस तो बहुज खतरनाक प्रोग्रामो बधा छे, आवती काले बहुज ताड़मार तैयारी। अमदावादना जेटला पण भक्तामर हीलरो छे, खास 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 कालनो दिवस आपणा माटे बहुज अगत्यनो छे। परम दिवसे 7 तारीखे आपणे बधा कालनो कार्यक्रम, पहेला कही दू, काले रात्रे बराबर इंडियाना 1 वागे लंडन नी अंदर आखो कार्यक्रम थशे भक्तामर हीलिंग शिबिर नो। रविवारे खास आपणा બધાના લોક લાડી લેવા પૂજાબેન પણ અમદાવાદ આવી રહ્યા છે, ઘણા બધા પણ એમને મળવા પણ આવવાના છે, અને જેને ખરેખર મળવું હોય પૂજાબેનને જોવા હોય બધા નારણપુરા બધાએ આવી જ જવાનું છે, તમારું જ ફંક્શન છે એમ માનીને, તો 7 તારીખે બરાબર 9:30 થી 12:30 ઉવસ ગરમના જાપ રાખેલા છે। 8 તારીખથી અતિ ભવ્ય જે કોર્સ ઈશ્વરી અમારી પાસે બનાવેલો છે, અમને પોતાને પણ ખબર નહોતી કે આ બધી વસ્તુ આટલી બધી ચાલશે, આખા જૈન શાસનની અંદર આખા બ્રહ્માંડમાં લોકડાઉનમાં સૌથી વધારે કેદી કોઈ ચાલેલો કોર્સ હોય, કરીબ 3 લાખ થી પણ વધુ લોકો જૈન અનુષ્ઠાનની સંઘ ભણેલા છે, તો એવો અદ્ભુત કોર્સ ખાસ કરીને સમગ્ર સૃષ્ટિના કલ્યાણ અર્થે અત્યારે બધા જ લોકો અલગ અલગ જગ્યાએ બ્લોક હો ચુકે હે, તો ખાસ 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 8 તારીખ સે 12 દિન કા અદભુત કોર્સ आप सभी की सेवा में संपूर्ण फ्री ऑफ चार्ज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सभी लोगों को आप जोड़ दीजिए बराबर। बीच में सरस्वती पूजा भी आएगी, बीच में नवग्रह शांति पूजा भी आएगी, और इसके बाद सीधा हम चेन्नई से शंखनाद करते 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 पूरे संकल्प के साथ 21 दिन के अंदर हमारा संकल्प है 1 करोड़ भक्तामर महामंत्र की संकल्प यात्रा। ऐसा पुण्य ऐसी चार्ज हम हमारे से शुरुआत करें। आज चारों तरफ कोरोना 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 वायरस है, मेरे गुरुदेव कहते थे कि कोरोना वायरस को भगाने के लिए भगवान का करुणा नाम का वायरस, जिसको भी उंडे उंडे भी डर है क्या होगा, बढ़िया ही होगा, तेरे साथ आदिनाथ भगवान है, तेरे साथ भक्तामर स्त्रोत्र है, तो भक्तामर के ऐसे वाइब्रेशन गाँव गाँव शहर शहर घर घर जाते 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 सब सबको सक्षम बनाते 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 बेंगलोर से लेकर के पूना के बीच में आपका गांव आ रहा है, आपका संघ एक्टिव है, आप भी आपके गांव में ऐसी छोटी मोटी शिविर सत्संग प्रवचन का आयोजन कराना चाहते हैं, भक्तामर के आपके गांव में भी प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं, तो सीधा आप पूजा में इनका संपर्क करते हुए हृदय के अंदर भीतर के अंदर भगवान का वास हो, जल्दी से जल्दी तीसरे भोग में मोक्ष की प्राप्ति हो, कर्म का क्षय हो, और जितने दिन हम जिए तो मुस्कान के साथ हमें जिए, काम ऐसा किए जो धन्ना सा ने किया, राणकपुर बनवा के जग में नाम कर दिया, लेकिन 2-5-10 साल के अंदर लोग बोलेंगे कि नड़ियाद में एक विजय भाई थे, खास करके लंदन में हमारे ज्योति बहन थे, कल्पना बहन थे, धनसा बहन थे, जया बहन डूंगरवाल थे, बहुत सारे जितने भी लोगों को मैं देख रहा हूँ, सपना बहन थे, वाह क्या भक्तामर की इनके दिल में भक्ति थी, काश्मीरा बहन इनकी भावना थी कि प्रत्येक व्यक्ति करोड़पति बने, वो भी बहुत सारी बातों के आगे के हमारे सेमिनार के अंदर, और चेन्नई में जिन्होंने हमें रंग ला, चेन्नई के अंदर जिन्होंने जबरदस्त मेहनत की है, ऐसे हमारे दिव्या बहन उनकी भी खूब 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 अनुमोदना करते हुए, जितने लोगों के नाम की समय कम पड़ जाता है, एक एक व्यक्ति कभी कभी एक ऐसा सेमिनार, आज सुबह में मुझे याद विचार आ रहा था कि अप्रैल महीने की या मई महीने की जब बैंक चालू करेंगे तो आपके आस पास के अंदर इतने ऐसे महापुरुष जैसे कुमार पाड़ ईसा है जिन्होंने वक्त पचकान ले लिया, हजारों जगह पे वो कार्य करते हैं, चेन्नई के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जैसे जैसे कई ऐसे गुणवान व्यक्ति हैं कि जिनका गुणानुवाद हम करेंगे, और जैसे हमारे शशिकला जी है, उन्होंने थाने लिया है
बोल के रखा है कि किसी को भी हीलिंग चाहिए आप मुझे फोन कर दे, मैं सेवा के लिए तत्पर हूँ। ज्योति बहन लंदन से है, किसी की भी जरूरत है ज्ञान की, हमारे मीना बहन है कि कोई भी जरूरत है ज्ञान के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, स्नेहल बहन है कि तैयारी, कभी भी आप उनको फोन करो तो कि वैसा जीवन मुझे बनाना है। संसार के लिए, परिवार के लिए रोटियां बहुत बनाई है, सगे संबंधियों को खाना बहुत खिलाया है, लेकिन कुछ समय यहाँ का जो आनंद है उसको निहारने के लिए, और वो जब आप स्वीकार कर लोगे तो आप रहोगे धरती पर लेकिन आनंद स्वर्ग का आएगा। दोनों हाथ जोड़ते हुए डट्टार कमर से बैठते हुए पंच परमेश्वरी भगवान का शरणा, असीम कोटि की दिव्य कृपा आपके भीतर के अंदर प्रवेश हो। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। खुश रहिए, मस्त रहिए, गुनगुनाते रहिए। भक्तामर कंठस्थ करना जिनको भी बाकी है वो जल्दी से जल्दी पूरा पक्का कर लीजिए। 8 तारीख को चक्केश्वरी माता प्रसन्न हो तो क्या देंगे, बहुत सारे लोगों ने, सब लोगों ने नंबर 1 ही बोला है, सभी का नंबर 1 है, लेकिन कुछ जो है स्पेशल बातें हमारे पूजा जी ने नोट की है, तो 8 तारीख को पूजा बहन फर्स्ट नंबर डिक्लेयर करेंगे और उनको भी सभी, हम सभी लोग सम्मानित सत्कार करेंगे इसी भावधारा के साथ, जिनांग कुछ भी बोला गया हो, मन वचन गाय करें, इच्छा में दुकड़ा, एप्लीकेशन अपडेट कर देना, बहुत सारी नई नई चीजें आई हैं, अभी तुरंत जाकर के जितने भी फैमिली मेंबर है उन सभी लोगों का राशि कार्ड फटाफट फटाफट ऑर्डर कर देना, और वश गरम स्त्रोत्र की साधना में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को पारस चैनल और अपना जैन अनुष्ठान का बोल देना, दोनों के ऊपर लाइव है, और आप सभी लोगों को पूरा कार्यक्रम तो करना ही है, कोई भी कारण से आप पूरा कार्यक्रम नहीं कर रहे हो और कोई प्रोग्राम में जाना है तो 10 मिनट तो आपको बैठ करके संकल्प ले लेना है कि अहमदाबाद के अंदर 125,000 वश गरम की जो महा साधना चल रही है उनका फल मुझे प्राप्त हो और मेरा शुभ संकल्प परिपूर्ण हो, बराबर। आ भावना साथे खूब खूब बधा ने प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। कोई ने कई बोलवानु होय तो करी छे, कोई ना छे नहीं कोई, चलो सर्व मंगल, प्रणाम, जय जिनेन्द्र, प्रणाम, जय जिनेन्द्र।